Hi everyone, welcome to Sleepy Classes. So we'll discuss our mains a day questions today. So aaj ka jo hamara plan ke according we have to discuss two questions of paper 4, right? So the two questions which we'll have to discuss are these. So ye aapko platform mein, that is testseries.sleepyclasses.com pe mini test ke form mein questions mil jate hain. The PDFs are also attached there, so you can have a look at the PDFs wahan se. Acha, to jo do questions hum discuss karne ja rahe hain wo ye hain. Pehla question hai, IQ gets you hired. IQ क्या होता है? Intelligence quotient, right? So IQ आपको hire करवाता है, आपको एक job दिलाता है, because you need a basic level of intelligence to get a particular job, right? तो IQ का काम इतना ही है, अगर आप में competence नहीं होगा, आप में skills नहीं होंगे, आप में knowledge base नहीं होगा, तो you cannot get a particular job. So IQ बहुत ज़रूरी है job लेने के लिए. लेकिन जो इमोशनल क्वेश्चन है कि कैसे आप अपनी इमोशंस को मैनेज करते हैं, वो चीज़ आपको आपकी जॉब में सक्सेस दिलवाती है, वो आपको प्रमोशंस दिलवाती है. तो क्वेश्चन यही है कि आईक्यू गेट्स यू हायर्ड बट ईक्यू गेट्स यू प्रमोटेड, डिस्कस, राइट. सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस इसाया बर्लिन्स कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू प्लूरलिज्म, राइट. जो वैल्यू प्लूरलिज्म होता है, अगर हम नाम से ही देखें, प्लूरलिज्म है कि बहुत सारी वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है. सो नंबर ऑफ वैल्यूज़ एग्जिस्ट एंड एट द सेम टाइम यू कैन एंड दे माइट बी एट कॉन्फ्लिक्ट, वो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू पॉइंट्स भी रख सकते हैं जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है. बट तो ये एक वैल्यू प्लूरलिज्म की चीज़ है. सो द कॉन्सेप्ट इज़ दैट देर आर सेवरल वैल्यूज़, ठीक है, क्योंकि प्लूरलिज्म है, which may be all be equally correct or fundamental, लेकिन still in conflict with each other. तो उसी तरह से इसाया बर्लिन का concept था, और उसका significance क्या है वो हमने discuss करना है, ठीक है. So that is what is important. और ये question का आपको दो फायदे हो सकते हैं. एक तो आपको इसाया बर्लिन का concept पता चलेगा, जैसे कि रॉल्स का पूछ लेते हैं, या मतलब different thinkers are there. UPSC has this knack of asking, right, one question. So if you get lucky, you might be asked this question. But at the same time, आपको terms आती हैं value pluralism. जैसे हम ये question discuss करेंगे तो value monoism you'll get to know moral absolutism, moral relativism. So ये जो concepts हैं आपको पता चलेंगे, तो आप अपने answers में इनको quote कर सकते हो. और अगर ये terms आप quote करोगे, obviously जो आपके question है उसका काफ़ी answer का काफ़ी weight पड़ेगा, ठीक है. So both ways these can help you, right? तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है आईक्यू, उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? देखिए, आप पहले बताएंगे कि इंट्रोडक्शन, राइट. इंट्रोडक्शन में आप ईक्यू और आईक्यू बता सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ईक्यू, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आईक्यू, राइट. देन द क्वेश्चन इज दैट ईक्यू इज समथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर प्रमोशंस ऑफ अ सक्सेस इन अ जॉब. तो तुम्हें ईक्यू का इंपॉर्टेंस बताना है, बट एट द सेम टाइम यू कैन नॉट निगेट द रोल ऑफ आईक्यू. तो आप एक दो लाइन आईक्यू के बारे में बताएंगे, एंड फाइनली यू विल कंक्लूड योर आंसर. तो अगर हम देखें ईक्यू क्या है, ईक्यू इज ऑल्सो नोन एज इमोशनल इंटेलिजेंस, ईआईक्यू भी कहते हैं. अब देखो, इट इज़ द केपेबिलिटी, ठीक है, केपेबिलिटी, अबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, टू रिकग्नाइज खुद की इमोशंस, ठीक है, एंड इमोशंस ऑफ द अदर्स, ठीक है. एक तो आप रिकग्नाइज कर रहे हो, फिर उनको डिसर्न कर रहे हो, उनको डिफरेंशिएट कर रहे हो, ठीक है, डिफरेंशिएट कर रहे हो, एंड यू आर लेबलिंग देम अप्रोप्रिएटली कि दिस इमोशन मीन्स दिस, ठीक है. देन यू आर एक्चुअली यूजिंग दैट इमोशनल इंफॉर्मेशन टू गाइड थिंकिंग एंड बिहेवियर, ठीक है. सो दैट यू आर थिंकिंग, जिसे कहते हैं ना, एक होता है आईक्यू इज समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू दिमाग से सोचना, ईक्यू इज समथिंग रिलेटेड टू दिल से सोचना. सो यू आर थिंकिंग अकॉर्डिंग टू द इमोशंस, यू आर गाइडिंग, आपका बिहेवियर उससे अकॉर्डिंग है, एंड एट द सेम टाइम आप अपनी, अगर आपको अडेप्ट करना है एक इन्वायरमेंट में, एक जॉब इन्वायरमेंट में, तो आप अपनी इमोशंस को अकॉर्डिंगली मैनेज और एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज यू वॉन्ट टू अचीव वन गोल. सो बेसिकली कैसे आप अपनी इमोशंस को मैनेज करते हैं टू अचीव अ गोल, दैट इज़ वॉट इमोशनल क्वोशेंट इज़. अगर आप उनको मैनेज कर पाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है, इफ़ यू आर एबल टू ऑल्टर योर इमोशंस, अडेप्ट योर सेल्फ, देन इट इज़ सेड दैट यू आर हैविंग अ हाई ईक्यू, राइट. तो आपका ईक्यू हाई माना जाता है.
अब देखो EQ इज़ बेसिकली हम ऐसे कहते हैं परसीव करते हैं पहले हम इमोशंस को, फिर उनको अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या इमोशंस. पहले देखो परसीव, अगर इफ़ यू नॉट बी एबल टू परसीव द इमोशंस ऑफ द पीपल अराउंड यू एंड ऑफ द योरसेल्फ, तब तो आप उनको पहले आप परसीव करोगे तभी आप उनको अंडरस्टैंड करोगे, मैनेज करोगे और यूज़ करोगे. ठीक है, तो ये PUMO इज़ अ एक्रोनम कीवर्ड फॉर EQ. ठीक है, एंड वी हैव बीन डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स इन आर GS4 क्रैश कोर्स. ठीक है, वहाँ पे ये सब आपको बहुत अच्छे से इलैबोरेटली समझाया जाता है. सो इसीलिए मैं यहाँ पे भी थोड़ा आइडिया ही दे रही हूँ. और IQ तो सिंपल है कि आपकी इंटेलिजेंस एबिलिटी कितनी है, वो बेसिकली IQ बताता है. ठीक है, कि आप कैसे अपने दिमाग, वेदर यू आर यू नो हैविंग हाई इंटेलेक्ट और नॉट, दैट इज़ वॉट IQ टेल्स यू अबाउट, राइट, इट मेजर्स दैट. नेक्स्ट हमने देखा था स्ट्रक्चर में हम इम्पोर्टेंस करेंगे. ये कहा जाता है EQ इट हेल्प्स इन हार्ट, इट EQ हैज़ हार्ट बीट, वही कि दिल से सोचते हो आप. ठीक है, अब EQ देखो सिंस हम जॉब इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, एक वर्क सेटअप की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, देर ऑब्वियसली देर गोइंग टू बी लॉट मोर पीपल. ठीक है, तो आप कईयों का काम आपको अच्छा, कई काम अच्छा कर रहे होंगे. ठीक है, सो यू हैव यू कैन एक्चुअली, बट कहीं ऐसे भी होंगे जो अच्छा काम नहीं कर रहे. ठीक है, जो अच्छा नहीं है आपकी कॉरपोरेशन के लिए, तो यू हैव टू हैव एन EQ इमोशनल क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि आप उन उस बंदे को कन्वे कर पाएँ. ठीक है, यू कैन इन अ यू नो कन्वे टू दैट पर्सन इन अ वे दैट जो दूसरा बंदा है वो एकदम अपसेट ना हो जाए, या यू नो ऑल दैट थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड डिपेंडिंग अपॉन कि उस बंदे का EQ कितना है, उस बंदे की जो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी है. ठीक है, सो EQ को आप यूज़ कर सकते हैं. 3 C's कहा जाता है, अगेन अनदर एक्रोनम. देखो एथिक्स में ना बहुत एक्रोनम्स हैं, वी हैव डिस्कस लाइक अ लॉट ऑफ देम ऑन आर YouTube प्लेटफॉर्म, एंड अ लॉट ऑफ देम How can you use them in your answers is being done at the crash course. ठीक है, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जितने ज़्यादा आप acronyms बना लेंगे उतने ज़्यादा आपके लिए easy होगा, क्योंकि exam में ना कभी कभी terms नहीं याद आती हैं. ठीक है, अगर आपको पता है 3 C's हैं तो आप फटाफट से लिख दोगे, इट हेल्प्स इन क्रिटिसिज्म, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन. ठीक है, कम्युनिकेट करना अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने सीनियर्स के साथ, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है उसको कैसे मैनेज किया जाए. ठीक है, देन इट ऑल्सो प्रमोट्स कर्टियस बिहेवियर. ठीक है, उसके बाद डिस्कशंस में एक्स्ट्रोवर्टनेस में हेल्प करता है, आप एम्पैथेटिक होते हो कि दूसरों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, राइट, यू आर कमिटेड, एंड देन यू आल्सो मैनेज योर एंगर. अगर आपको अपने सबॉर्डिनेट या सीनियर पे गुस्सा आ रहा है बट यू नो इट्स अ वर्क एनवायरनमेंट, यू कैन नॉट जस्ट वेंट आउट योर एंगर. ठीक है, सो एंड देन यू विल बी एबल टू मैनेज चेंज मोर कॉन्फिडेंटली, अडैप्ट टू चेंज मोर कॉन्फिडेंटली, यू विल बी एंजॉय, यू विल बी एंजॉइंग द वर्क. ठीक है, उसके बाद वही है, कॉन्फिडेंट फील करते हो अगर आपका EQ ज़्यादा है. ठीक है, अगर आपका EQ अच्छा है, यू आर पॉजिटिव इन योर एटीट्यूड, so this will help to you know reduce the stress levels, to increase the creativity, and you will be able to learn from your mistakes and not to repeat them. Work family jo balance ki baat ki jati hai wo bhi aata hai. theek hai, so jab ye sab cheeze milti hain thanks to EQ, so obviously you will be promoted, right? बट एट द सेम टाइम जब हम IQ की बात करते हैं, आई थिंक सो वी हैव मिस्ड द IQ वाला स्लाइड है. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट IQ यू कैन एक्चुअली राइट हेयर. जब हम IQ की बात करते हैं ना, तो IQ में हम ये कहते हैं कि आपको नॉलेज बेस्ड चाहिए, आपको जो एनालिटिकल स्किल्स चाहिए है ना, वो सब आपको IQ देता है. ठीक है, एनालिसिस करने की पोटेंशियल, और कई जॉब्स होती हैं वहाँ पे सिर्फ एनालिसिस ही इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल गूगल, ठीक है, वहाँ पे आपको EQ इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा जितना आपका IQ होगा, बिकॉज वो वाले स्किल्स रिक्वायर्ड हैं. ठीक है, तो IQ का भी अपना रोल है इन एक्सपेंशन ऑफ द नॉलेज, इन गिविंग यू एनालिसिस. ठीक है, एनालिटिकल अप्रोच रहती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रहती है. जैसे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई तो वो ऑब्वियसली आप IQ होगा तभी सॉल्व कर पाएंगे, ओनली विद EQ यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व. ठीक है, तो 2-3 लाइनें आप IQ के रोल में भी डाल सकते हैं. बट हाँ, कंक्लूजन में आप एक ही लाइन को इलैबोरेट कर सकते हैं, दैट इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू नीड टू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ EQ, IQ एंड SQ. SQ क्या है? स्पिरिचुअल क्वेश्चन, कि आपको हमेशा ही किसी चीज़ के पीछे नहीं भागना है. यू हैव टू लर्न टू बी कंटेंट विद वॉट एवर यू हैव. ठीक है, वेन यू हैव EQ यू आर हाई ऑन इमोशनल क्वेश्चन, आपके IQ एक सर्टन लेवल पे है, एंड यू हैव SQ, देन यू कैन एक्चुअली लीड अ सक्सेसफुल लाइफ, जिसकी जो अदर्स होंगे वुड बी एनवियस, वो आपसे एक तरह से जलेंगे कि हाउ इज दिस पर्सन लीडिंग सच अ सक्सेसफुल लाइफ. सो दैट इज द कल्मिनेशन ऑफ दीज 3 लीड्स टू अ सक्सेसफुल लाइफ, राइट? ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस इसाया बर्लिन्स कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू प्लूरलिज्म एंड इट्स सिग्निफिकेंस. ठीक है, तो अगर हम देखें अगेन स्ट्रक्चर, आप पहले इंट्रोडक्शन में बोलेंगे कि व्हाट इज वैल्यू प्लूरलिज्म, ठीक है, क्योंकि हमने इसी का सिग्निफिकेंस डिस्कस करना है. देन व्हेन यू टॉक अबाउट द बॉडी, यू कैन एक्चुअली टेल व्हाट इज वैल्यू प्लूरलिज्म, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे वो डिफरेंट है मोनोइज्म और रिलेटिविज्म से. क्योंकि आपने सिग्निफिकेंस बताना है तो हम कंपैरेटिव मोड में बता सकते हैं कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम मोनोइज्म एंड रिलेटिविज्म इन अ वे. फिर उसके बाद यू कैन कोट सर्टेन एग्जांपल्स एंड फाइनली यू कैन कंक्लूड योर आंसर. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. सो व्हाट इज वैल्यू प्लूरलिज्म अकॉर्डिंग टू बर्लिन? इट डील्स विद द इशू ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल वैल्यूज. ठीक है, वही जैसे हमने बोला था कि बहुत सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं और जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि यूनिवर्सल है, जो कि फंडामेंटल है. ठीक है, बट एट द सेम टाइम वो एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्टिंग मोड में भी हो सकती हैं. दैट इज व्हाट वैल्यू प्लूरलिज्म इज. राइट, अब इसमें देखें अगर हम राइट, सो इफ वी डिस्कस दिस, सो इट इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल वैल्यूज विच आर इनकमेंसुरेबल. इनकमेंसुरेबल है कि इनको हम मेजर नहीं कर सकते एंड दैट इज़ वाई दे कैन नॉट बी प्लेस्ड इन एन ऑब्जेक्टिव हायरार्किकल ऑर्डर. ठीक है, अब वही है कि प्लूरलिज्म का मतलब है कि कोई एक सिंगल चीज़ नहीं है, देर इज़ नो सिंगल राइट आंसर. दैट इज़ वॉट प्लूरलिज्म मीन्स. ठीक है, उसी तरह से वैल्यू प्लूरलिज्म है, मल्टीपल वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, सारी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं. वी डोंट हैव एनी मेजर टू गेज वेदर दे आर यू नो इम्पॉर्टेंट और नॉट. ठीक है, तो वही है कि आप उनको मेजर नहीं कर सकते, दे आर इनकमेंसरेबल. अब बर्लिन एक्चुअली यूज दिस एज एन आर्ग्यूमेंट फॉर द इम्पॉर्टेंस ऑफ लिबर्टी. ठीक है, ही सो देर वॉज दिस आर्ग्यूमेंट फॉर द लिबर्टी, स्पेशली द फ्रीडम टू मेक चॉइस. ठीक है, अब यही है कि यू हैव टू चूज़. ठीक है, दैट इज़ व्हाट द लिबर्टी कॉन्सेप्ट हेयर इज, दैट आप चूज़ करोगे कि विच इज़ असेंशियल टू योर सेल्फ, विच इज़ असेंशियल टू ह्यूमन सेल्फ एंड विच वैल्यूज आर असेंशियल टू द पर्सनैलिटी. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट यू नो इसाया बर्लिन्स कॉन्सेप्ट ऑफ प्लूरलिज्म इज़. ठीक है, टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ लिबर्टी. राइट, अगर हम देखें उसके बाद कैसे ये डिफरेंट है मोनोइज्म और रिलेटिविज्म से. मोनोइज्म कहता है, मोनो मीन्स वन, तो मोनोइज्म इज दैट देयर इज वन यू नो वैल्यू विच इज सुप्रीम, विच इज इम्पॉर्टेंट. एंड मॉरल रिलेटिविज्म क्या है? मॉरल रिलेटिविज्म इज समथिंग विच सेज कि देखो रिलेटिविज्म का मतलब होता है कि देयर इज लाइक बहुत, देयर इज नो यूनिवर्सल और एब्सोल्यूट सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स. ठीक है, कि कोई भी एक तरह से आप ये ले लीजिए कि कोई भी मॉरल या एथिकल प्रोपोजिशन वो ऑब्जेक्टिव और यूनिवर्सल मॉरल ट्रूथ्स को रिफ्लेक्ट नहीं करता. ठीक है, सो देयर इज़ नथिंग विच मतलब जितने भी आपने मॉरल प्रोपोजिशंस किए हैं वो ऑब्जेक्टिव या यूनिवर्सल मॉरल ट्रूथ को रिफ्लेक्ट नहीं करते. ठीक है, थोड़ा सा वो है, यू हैव टू मे बी गो थ्रू दिस वीडियो अगेन टू अंडरस्टैंड दिस एंड रीड द आंसर. राइट, सो दिस आइडिया कम्स ऑफ द प्लूरलिज्म कम्स इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट ऑफ मोनोइज्म. मोनोइज्म इज दैट देयर इज एन ऑर्डर ऑफ वैल्यूज. ठीक है, विथ स्ट्रिक्ट आइडिया ऑफ प्रेफरेंस. ठीक है, तो आप एक जो वैल्यू जो डिजायरेबल है वो एक ऑर्डर है जिसमें आपको पता है ये वैल्यू मोस्ट डिजायरेबल है, देयर इज वन वैल्यू. ठीक है, और जो मॉरल रिलेटिविज्म है दैट एक्सेप्ट लिमिट्स टू डिफरेंसेस सच एज व्हेन वाइटल ह्यूमन नीड्स आर वायलेटेड. ठीक है, सो मॉरल रिलेटिविज्म इंक्रीजिंगली सीक्स टू प्रोवाइड सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो मॉरल रिलेटिविज्म है दैट सीक्स टू प्रोवाइड सोशल एंड कल्चरल. तो इसका मतलब यही है कि जो भी आप मॉरल जजमेंट्स दे रहे हो दे आर ट्रू और फॉल्स ओनली रिलेटिव टू सम पर्टिकुलर स्टैंड पॉइंट. वो कल्चर हो सकता है या वो हिस्टोरिकल पीरियड हो सकता है या वो सोशल नॉर्म हो सकता है. ठीक है, तो जो भी आपकी प्रोपोजिशंस हैं, जो भी आपकी जजमेंट्स हैं, दे आर ओनली यू कैन से राइट और रॉन्ग व्हेन यू कंपेयर देम या आप कह लो रिलेटिव टू सम कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, ये है. तो वो
वो चीज़ वैल्यू प्लूरलिज्म में नहीं है, ठीक है. सो इट होल्ड्स स्पेशल, और जो वैल्यू प्लूरलिज्म है वो प्लूरलिस्ट सोसाइटीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है. एक ये भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहाँ पे बहुत सारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, बहुत बहुत डिफरेंट मल्टी कल्चरल वर्ल्ड है, या बहुत सारे आप ले लीजिए पीपल हु शेयर डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, दे आर देयर, राइट. सो इन दैट वर्ल्ड, इन दैट सोसाइटी, प्लूरलिस्ट सोसाइटी कहते हैं उसे, वहाँ पे वैल्यू प्लूरलिज्म बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. ओके, एग्जाम्पल्स क्या है, आप बहुत एग्जाम्पल्स दे सकते हो. पहला है कि जैसे ऐसा कहा जाता है कि मॉरल लाइफ ऑफ अ नन इज इनकम्पैटिबल विद दैट ऑफ अ मदर, ठीक है, बिकॉज बोथ आर इक्वल, इक्वली इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, ठीक है. जैसे मदर होना भी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा माना जाता है, अच्छी वैल्यू मानी जाती है नन होना भी, बट ये कहा जाता है दैट दे आर इनकम्पैटिबल, है ना. तो वही हम जैसे कह रहे थे, दे माइट बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर एंड वी डोंट हैव एनी रैशनल मेजर टू डिसाइड कि विच इज प्रेफरेबल. दैट इज वॉट वैल्यू प्लूरलिज्म मीन्स, कि बहुत सारी वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती है बट हमें नहीं पता कि कौन सी बेटर है, कौन सी फंडामेंटल है, कौन सी यूनिवर्सल है, ठीक है. वैल्यू मोनोइज्म में आपको पता होता है कि ये वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अब वी डोंट हैव एनी रैशनल मेजर टू डिसाइड विच इज़ प्रेफरेबल. दूसरा है इन्वायरमेंटल एथिक्स, ठीक है. अब यही है कि इन्वायरमेंटल एथिक्स में दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी करनी है और इन्वायरमेंट को भी मेनटेन करना है, ठीक है. सो वी डोंट नो विच इज़ अ बेटर वैल्यू, वहाँ पर भी वैल्यू प्लूरलिज्म का एक एग्जाम्पल है. तो जो मॉरल डिसीजन है दे ऑफर रिक्वायर रेडिकल प्रेफरेंसेस, ठीक है. But we don't have any rational calculus to determine which alternative is to be selected. ठीक है. अब obviously जब बहुत सारी value pluralism है हमारे पास, बहुत सारी values exist करती हैं, तो जब हमें moral decisions लेने होते हैं, so we have to go with a particular preference, ठीक है, जिसे radical preference कहा जाता है. But we don't know कि कौन सी, अगर हमने इसको better choose किया तो हमने इसको better choose क्यों किया. जैसे वही कि अगर हम कह रहे हैं कि none is better, being a none is better, then why are we choosing that, ठीक है. तो वो बता पाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है. सो कंक्लूजन में आप ये कह सकते हो कि जो वैल्यू प्लूरिस्ट है दे टेंड टू बी ओपन माइंडेड, ठीक है. दे डोंट, यू डोंट रियली नीड टू हैव समथिंग लॉजिकल टू बैक इट अप, ठीक है, इवन इफ देयर आर कंपीटिंग व्यू पॉइंट्स, ठीक है. सो दे एनालाइज इश्यूज फ्रॉम सेवरल मॉरल पॉइंट्स, ठीक है, और व्यू बिफोर डिसाइडिंग एंड टेकिंग एक्शन. तो बहुत सारे जो मॉरल पॉइंट्स हैं दे एनालाइज दैट. तो ऐसा कहा जाता है कि जो प्लूरलिज्म है ना वो एक मिडिल ग्राउंड है, किसमें, मॉरल एब्सोल्यूटिज्म में, ठीक है, और मॉरल रिलेटिविज्म में. मॉरल एब्सोल्यूटिज्म कहता है कि सिर्फ एक ही राइट आंसर है, देयर इज ओनली वन राइट आंसर, क्योंकि एब्सोल्यूटिज्म हो रहे हो ना कि ये सही है, ठीक है. और मॉरल रिलेटिविज्म कहता है कि देयर इज नो रॉन्ग आंसर, कि सब एक रिलेटिवली, जैसे दो आप कंपेयर करो ए और बी को, तो ए बी सी को आप कहते हो कि बी इज बेटर देन सी, ठीक है, माई बी इज रिलेटिव टू सी, रिलेटिवली बी इज बेटर. सिमिलरली ए इज बेटर देन बी रिलेटिवली, है ना. तो इसमें कोई एक बेटर, आप ये नहीं कह सकते कि ए बेटर है, बी बेटर है या सी बेटर है, तो देर इज नो रॉन्ग आंसर. लेकिन अगर मॉरल एब्सोल्यूटिज्म की बात करें, शायद वो कहेंगे ए इज द बेस्ट. तो इन दोनों के बीच में हमारे पास प्लूरलिज्म आता है कि तीनों एग्जिस्ट कर सकते हैं, है ना, और दे कैन बी एट कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू पॉइंट्स, है ना, बट एंड वी डोंट नो विच ऑफ देम आर फंडामेंटल और यूनिवर्सल, बट वी हैव टू पिक वन, ठीक है. तो वी विल एनालाइज देम फ्रॉम डिफरेंट व्यू पॉइंट्स एंड देन वी विल पिक वन, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. सो वी विल अपलोड द फोर्थ मिनी टेस्ट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑन संडे, एंड देन वही दो क्वेश्चंस होंगे 1, 2, 3, 4 के, और आप कर सकते हैं उनको अटेम्प्ट. और फिर वीकडेज पे हमारे पास मैट आएगा, ईच डे वील डिस्कस वन पेपर, ठीक है, जैसे GS1 के दो क्वेश्चन एंड सो ऑन एंड सो फॉर. एंड यू कैन ऑल्सो एक्सेस टू आर क्रैश कोर्स. तो हमारा GS 1, 2, 3, 4 एंड सोशो के लिए द क्रैश कोर्स इज ऑन, इन विच वी डिस्कस क्वेश्चंस विद क्वेश्चन आंसर्स फॉर मेट में वी डिस्कस टॉपिक्स, राइट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.